ड्रायर में सुखा लिया आज पूरा, कल का कपड़ा कल रात को सुखाने देना घुसेड़ी। अरे पूरा गरम गरम है ना, टटका टटके एकदम गरम भजिया का जैसा है, गरमा गरम निकालो खा चाय के साथ। अरे बाप रे, मैं ड्रायर यूज नहीं करती कभी कभार, मतलब किसी दिन, ये एक्चुअली ड्रायर के साथ ही है तो एक्चुअली, लेकिन वो जैसा वो तंदूरी वाला जैसा स्मेल आता है, तंदूरी चिकन इस्त्री करके आ जाता ना, तो कुछ ऐसा तो मशीन होगा ना इसमें, लेकिन तुम्हारा अभी इस्त्री अभी मैंडेटरी हो गया, ज्यादा अभी मैंडेटरी हो गया नहीं, पूरा ये तुम्हारा रिंगस आ गया ना। हाँ, उसमें क्या अभी तुमको नाइट, हाँ अभी तुमको नाइट सूट भी अभी तुमको इस्त्री करने पड़ेगा। ड्रायर इसलिए वो कल का कपड़ा सूखना नहीं दिया था, बास्केट पूरा भर से रखा था, पूरा फैला के गरम है। बाप रे, ये सब तो एकदम पूरा रिंगे लगे, लेकिन ये इलास्टिक नहीं हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लूज हो जाएगा, एकदम आपके जैसा गरम है, मुझे गरम लग रहा है। लेकिन ये नाइट सूट वगैरह मैं इस्त्री नहीं करती हूँ कभी, लेकिन इसको पहन के अगर नीचे गई ना, सूटी को छोड़ने जाती हूँ मॉर्निंग में, नाइट सूट में चले जाती हूँ, या तो नाइटी में नहीं जाती हूँ, नाइट सूट में जाती हूँ, ये इसको पहन जाऊंगी। कोई सोचा क्या ऐसे करके रखा था, लिटरली इसको आयरन कर, नहीं तब तो ये ठीक नहीं है, सारे इस्त्री करना पड़ेगा। और देखो ये भी ऐसे गमछा भी इस्त्री करना पड़ेगा, टॉवल नहीं सच में ये, लेकिन सीधा सीधा हो जाता है। हाँ, तुम झाड़ के देते हो ना, फायदे के लिए कुछ नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा, इस्त्री करके अगर आ जाता। अब एक इस्त्री वाला कोई प्रोडक्ट है क्या? हाँ, ये आप लोगों का सब क्वेश्चन है, किसी के पास इस्त्री मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो धो के सुखा के इस्त्री होके आ जाता? हाँ, नहीं ऐसे सुखाया वाला मशीन में डाल दिया, इस्त्री होकर बाहर से निकल गया। ऐसा होता ना तो है क्या? मस्त एकदम हो जाता है, आविष्कार करता हूँ मैं, जिंदगी एकदम धन्य हो जाता है। है क्या? शांतनु इंजीनियर आविष्कार करेगा। हाँ हाँ, तुम तो बहुत कुछ आविष्कार करोगे, पहले खाना आविष्कार कर लो, नया नया खाना दो ना, सिर्फ रात को जाने के टाइम बर्तन करके जाएगी। कितने बजे से कितने बजे तक? वो शाम के मतलब 7 से 9 बजे तक जो भी बाई रहती है, जी जी, तो उनको थोड़ा भेज दीजिएगा, ठीक है? और कार वॉश वाला सर? थैंक यू सो मच। आप कितने बजे तक रहते? और मेड के लिए और एक मेड के लिए बर्तन के लिए देख रही थी, और यहाँ पे आके फिर से शांतनु को एक सामान लाने के लिए बोला, उसके बाद देखा गाड़ी बंद पड़ गया, क्योंकि बारिश में ऐसा भी होता है गाड़ी का ये सब प्रॉब्लम। उसके बाद बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा था, तो उनको बुलाया था बैटरी वगैरह चेक करने के लिए, तो शायद बैटरी डाउन हो चुका है, तो वही मतलब सामान भी मैंने बोला छोड़ो देखते हैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं, मुझे एक चीज़ चाहिए थी एक स्पेशल रेसिपी के लिए, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा शायद, देखते हैं। अभी उसको बोला जंप स्टार्ट करके एक बार देख ले, लेकिन उसके नहीं हुआ। उसके बाद रात को आके बैटरी नया बैटरी डलवाना पड़ा, और गुड मॉर्निंग, और अभी स्वीटी को उठा रही हूँ, कल रात को वही कुछ रेसिपी बना नहीं पाई, जैसा नॉर्मल दाल चावल बनाया था खा लिया था, और स्वीटी को धकल धकल के उठाना पड़ता है ऐसे भी, उसका आज तबीयत थोड़ा सा ढीला ढाला लग रहा था, इसीलिए देखो उसको मुँह देख के कभी कभार लगता है, अभी क्या करें छोटा बच्चा है, बारिश में ऐसे भी होता है, और पढ़ाई का भी तो प्रेशर रहता है। और सुबह में उठ के पहले मैं नहा लेती हूँ, मेरा नहाने का काम अगर ना हुआ ना तो ऐसे भी बैठे रहना लगता है, और ये दृश्य देखते देखते ना बाहर का लगता है बैठे रहो, लेकिन वो करने से कुछ नहीं होगा। और एक चादर मैंने धोया था, उसको एक थोड़ा मॉइस्चर था, फैन पे भी नहीं सूखा था, तो मैंने इधर दे दिया, आज थोड़ा सा हल्का सा धूप जैसा लग रहा है। और चश्मा बिना, तो ये चश्मा ही मैं कभी कभार पहन रही हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें एक्चुअली, सब आएगा, ये आधा टूटा हुआ, लेकिन क्या करें कंफर्टेबल जो है वो गोल वाला चश्मा बहुत तकलीफ दे रहा है, तो लेकिन क्या करें, अभी चश्मा बनाने के लिए भी जाना था, वही सोचा था रात को जाऊंगी, लेकिन कल तो हुआ ही नहीं। तो आप प्लान बना के जिंदगी का देखना, किसी दिन सोचता ना ये कल करूंगी, लेकिन वो कुछ होता ही नहीं, कल कुछ भी काम नहीं हुआ, तो वही। और ये देखो पूरा धूल, कितना सारे पौधे से जो भी फूल वगैरह है वो नीचे पड़ता है, झड़ता तो है, जैसा किसी का गार्डन है देखना, कि नीचे कितना पत्ता वगैरह रहता है। और एक पैकेट शांतनु ने खाद मंगवाया, खाद तो दिया था, देखते हैं कैसा होता है। चाय खाना बनाने के लिए उसको रेडी करके रखा है, मतलब सब निकाल के रख रही हूं। You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark.
Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. और ये आप सबको याद आ रहा है, पहले मैंने जोड़ा था, एक बार दिखाया था बहुत पहले. उसके बाद ये फ्रिज के साइड में मेरा पुराने वाला घर पे रहता था, तो अभी वो शांतनु को बोला इसको खोल दो. छुट्टी का फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि शांतनु को काम करवाया जा रहा है. तो क्या मैंने साफ सफाई कर रही हूँ तो ये. और आज शांतनु ने छुट्टी भी लिया. शांतनु का भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि होता है वेदर चेंज, और इतना सारा हेक्टिक हुआ लाइफ में, इतना सारे प्रेशर काम का, रात रात भर काम करना. क्योंकि देखो एक शिफ्टिंग के टाइम काफ़ी सारे जगह पे छुट्टी मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो वो सब पॉसिबल नहीं था. तो इस वजह से शांतनु का किसी किसी दिन तबीयत बहुत ख़राब लग रहा था. तो आज मैंने बोला रेस्ट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी के ऊपर आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाता है. लेकिन थोड़ा मोड़ा घर का काम तो रहेगा, वो तो करना ही पड़ेगा. कारपेंटर हायर किया, मैत्री कारपेंटर, ऐसा कारपेंटर को हायर किया है कि वो किचन का ये रैक को ही तोड़ दिया, पूरा किचन का रैक को तोड़ दिया. किचन डेकोर करने गया, हाइट उसका एडजस्ट करने गया. क्या हाइट एडजस्ट करके उसका खींचे काट रहे. दिखाओ तुम्हारा औजार, दिखाओ देखो और एक दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ब्रेड नाइफ. ब्रेड नाइफ से चला लकड़ी काटने. ये जो सेल्फ है इसका हाइट किचन पे नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा थोड़ा सा छोटा कर दूं. और वो करने गई तो थोड़ा सा मतलब निकालने के लिए गई किला और पूरा टूट गया. मैं इतना शौक से मेहनत से बनवाया था, और एक कारपेंटर को बोला था, दो कारपेंटर को, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है. तो मैं इसीलिए सोचा थोड़ा थोड़ा करके. उसके बाद देखा ये ग्रुप बनाया हुआ है, इसलिए इसको एक्चुअली हथौड़ा सा निकल गया ना? मुझे लगा ये हथौड़े से निकालू तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप किया हुआ है ना, ग्रुप बनाया हुआ है, वो इसी वजह से मजबूत बनाया, मजबूत बनाया. तो उस वजह से वो निकालेंगे फट गया, दो पोर्शन हो गया इसका. तो ठीक है, एटलीस्ट छोटा अगर हो जाए, हाथ से जल रहा है इसीलिए कपड़ा से पकड़ रही हूँ. तुम मुझे बोलो कि ये फ्रेम बना के दो, वो मैं बना दूंगा, लेकिन इसको ये बनाया हुआ फ्रेम को रिपेयर नहीं करता. रिपेयर वाला मैं, रिपेयर वाला काम नहीं करता मैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाला काम. हाँ, हमको रिपेयर जुगाड़ करके चलाना पड़ता. तुम रिपेयर है, ए सक्सेसफुल. हाँ, एक तरफ तो हो गया ना. किसी भी एक कारपेंटर को बोला था, बोला ठीक है आते 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 10 दिनों के. अरे अभी चल रहा है फिनिशिंग टच. अरे वो खड़ा प्लेन नहीं, पैर तो काट दिया. पैर तो काट दिया, अभी उसको फिनिशिंग दे रहा है. और देखो हम तो कारपेंटर हैं नहीं, जितना जानते हैं उतना बनाने की कोशिश किया, और उस चक्कर में ये थोड़ा टेढ़ा हो गया. इसको फाइल करना है. सोचा था आज पूरा किचन रेडी करके नेक्स्ट वीडियो डेकोर वीडियो शूट करूँगे, लेकिन वही करते करते पूरा दोपहर से अभी शाम हो चुके हैं, शाम के 7:30 ऐसा बज रहा होगा. अभी खाना भी बनाना है. मटन में जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, बंगाली शाही गरम मसाला, हल्दी, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, सॉल्ट देख के उसको मैरिनेट करना है 1 घंटा. और इसी टाइम पे कच्चा मस्टर्ड ऑयल देख के उसको मैरिनेट करना है 1 घंटा. Bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. सूखी मिर्च, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, मस्टर्ड ऑयल पे. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. उसके बाद तेल में ही 1 चम्मच कश्मीरी चिल्ली, कलर अच्छा आएगा. हल्का सा भूनने के बाद जो मटन मैरिनेट करके रखा था, अगर 2-3 घंटा रखोगे तो और भी बेटर होगा. फिर हाथ धो के, इसमें हाथ धो के पानी देना क्योंकि उसमें टेस्ट बढ़ता है. और इसको अभी भून भून के पकाना है, अभी पानी कुछ भी नहीं. और इसको ना फाइनली भून भून के, इस तरह से मैंने कुछ भी पानी नहीं डाला था, थोड़ा सा ढक ढक के, मतलब भून भून के इस तरह से, जब तेल छोड़ दे उतना भूनेंगे उतना अच्छा कलर आएगा, टेस्ट भी बढ़ेगा. और इसको ऐसे ही आप धीमी आंच पर पका सकते हो. और पोटैटो और गर्म पानी दे के इसको अभी स्टीम करना है, मतलब प्रेशर कुकर में.
और इसको अगर धीमी आंच पे ऐसे पकाओगे ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, एक डेढ़ घंटा, उसमें ज्यादा टेस्ट बढ़ता है। और इसमें मैं थोड़ा सा लास्ट में जायफल और जावित्री पाउडर दिया था, उस टाइम पे कैमरा ऑफ हो गया था, वो शूट नहीं हुआ। जरूर देना, तभी वो टेस्ट आता है दावत के जैसे। ये सीटी देने के बाद मैंने सीटी को एकदम निकलने दिया, उसके बाद ऐसा कलर आ जाएगा, हिलाओ मत इसको। एक इंच तेल होता है, अरे ऑथेंटिक खाने में ऐसे बनता है। और नहीं, ऑथेंटिक खाने में इतना जरूरत है कि ठीक है, कुछ चीजें जो ऑथेंटिक है ऑथेंटिक हिसाब से बनाना पसंद है मुझे। ये बना है, उसके साथ क्या खाए, राइस, लेकिन ये नॉर्मल राइस नहीं है, बासमती राइस को बनाया था। उसमें थोड़ा सा घी, थोड़ा सा इलायची पाउडर और बस थोड़ा सा सॉल्ट देना चाहो तो दे सकते हो। हाँ, और एक चीज, रोज वाटर, एक खुशबू वाला राइस, मतलब सिंपल देख के आते तो पता नहीं चलेगा, खुशबू से पता चलेगा। Now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now.